दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डेल्टा डायमीटर एंड बोडिजर सिस्टम के बारे में, कंसील पाइपलाइन के बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों फिटिंग करके बताऊंगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं ये ओपन किया, ये वाला जो है दोस्तों डेल्टा का ये 3-way डायमीटर है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबको मैं दोस्तों अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं एक एक को आपको फिटिंग कर कर लगा के बताऊँगा। उसके बाद में ये वाला जो है दोस्तों डायमीटर है इसका, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और ये जो है दोस्तों बहुत मगजवारे वाला काम है, खास करके डेल्टा का। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद में इसका काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी गलती करते हो ना इसमें तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, ये देख लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कंसील बोडियर फिट करूँगा, तो ये दोनों डायमीटर के साथ में ये आप देख लीजिए। ये जो दोस्तों कंसील इसका बॉडी स्प्रे या कंसील पार्ट, ये कंसील पार्ट के टाइम में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका ये बोडियट भी 3 आएगा, और ये 2 डायमीटर, एक दोस्तों 2-way डायवर्टर जिसमें हॉट और कोल्ड पानी का कनेक्शन आएगा, और दूसरा है 3-way डायवर्टर। ये देख लीजिए, इसमें फिनिश्ड वाल दिया गया है आपको। उसके बाद में ये वाला भी जो है, ये 3 ब्रिजो आप देख लीजिए दोस्तों डेल्टा, ये राप स्पेयर पार्ट कंसील वाला। तो ये जो है बॉडी जेट कंसील बॉडी जेट का काम करेगा, 3, ये 3 बॉडी जेट। और उसके बाद में ये डायवर्टर, ये 2-way डायवर्टर। उसके बाद में आप देख लीजिए, ये 2-way डायवर्टर, इसके बाद में 3-way डायवर्टर। तो अब सब में मैं टेप्नोटेप लगा लेता हूँ, क्विक फटाफट टेप्नोटेप लगा के इसको अच्छे से टाइट कर दूंगा, और आपको बाथरूम फिटिंग इसके इंस्टॉलेशन के बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा। आप देख लीजिए, इसमें जो है दोस्तों आपको FEBT यूज करना पड़ेगा, ये बाहर थ्रेड वाला है, ठीक है, इसमें MEBT नहीं, ये वाला FEBT लगेगा आपको। तो यहाँ पर मैं CPVC का 1.5 का यहाँ पे FEBT लगा रहा हूँ, इसमें टेप्नोटेप देकर अच्छे से सबको जो है पकड़ कर टाइट कर देता हूँ। और टाइट करते वक्त आपको दोस्तों पकड़ से आपको अच्छे से FT में आपको एक टुकड़ा पाइप लगाना है, उसके बाद में आपको अच्छे से टाइट करना है, ताकि FT में कोई वजन ना पड़े, तो वजन पड़ेगा तो टूट सकता है। तो आपको इसको ये सबको जो है ध्यान से देख कर लगाना है। ये आप देख लीजिए, ये डायवर्टर में मैं लगा दिया हूँ। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ये वाला जो क्लैंप है इसको आपको खोल कर टेप लगाना है, उसके बाद में आपको ये वाला स्क्रू को लगा देना है। ये पीछे का एक क्लैंप रहता है, यहाँ पे एक एरो दिया रहता है, तो उसको आपको खोल कर आप टेप लगाओगे तो आसानी से आप टाइट कर सकते हो इसको। आप देख लीजिए, 2 स्क्रू रहता है ऊपर की तरफ, उसको आपको खोल कर ये क्लैंप को आप खोल सकते हो, ये वाला यहाँ पर, ये आप देख लीजिए, ये एक स्क्रू और एक दूसरा स्क्रू, इसको खोल कर आप इसे खोल सकते हो। तो उसके बाद में आपको ये सब टाइट करना है, और उसके बाद में इसका ऊपर का जो कवर है डायवर्टर का, अब देखकर आपको लगाना है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये अब यहाँ पे आपको दिखेगा, आप मतलब ऊपर का तरफ आपको देखकर लगाना है। और यहाँ पे ये जो बाथरूम है आप देख लीजिए दोस्तों, मैं मार्किंग कर लिया हूँ, मार्किंग जो किया हूँ आपको तो समझ में अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं फटाफट इसका घीसी काट लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है मेरा बॉडी हेड का सर्कल घुमा है, और उसके बाद में ये जो है दोस्तों मतलब एक ही साइड में इसका डायवर्टर रहेगा और एक साइड में इसका बॉडी जेट रहेगा। तो अब मैं घीसी फटाफट मार लेता हूँ इसका। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे घीसी कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका मैं गर्म और ठंडा का सबसे पहले कनेक्शन जोड़ूंगा। तो इसको मैं कंसील के अंदर पाइप को बिठाकर इसको नाप कर काट लेता हूँ, और उसके बाद में इसको सॉल्यूशन देख रहा एल्बो लगा लेता हूँ फटाफट यहाँ पे। अब देख लीजिए, आपको एल्बो लगाकर ऐसे वाल में एक टुकड़ा देकर सीधा करना है, ताकि एल्बो का सीधा आपको परफेक्ट पता चले। और उसके बाद में ये वाला भी मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हॉट और कोल्ड का कनेक्शन ये वाला आ गया है, जो कि नीचे का डायवर्टर में आपको कनेक्शन करना है। और वाल से यहाँ पे दोस्तों ये 300 में ये डायवर्टर रहेगा, क्योंकि एक साइड में डायवर्टर रहेगा और एक साइड में बॉडी जेट रहेगा। यहाँ पे उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 300 में वाल से पकड़ने के बाद में जो टुकड़ा आया था, जो हॉट और कोल्ड का, गर्म ठंडा का, दोनों का मैं टुकड़ा नाप कर काट लेता हूँ फटाफट,
और इसको मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पाइप कटर की मदद से ये सब काट रहा हूँ ताकि पाइप का दोस्तों कोई स्क्रैच ना आए, क्योंकि इसमें जो है डेल्टा का डायमीटर में बहुत बारीक होल आता है, तो आपको बहुत ध्यान में रखकर आपको काम करना है, थोड़ा सा भी अंदर कशर नहीं जाने जाना चाहिए, उसके सब सबको करना है। अब देख लीजिए, अब जो है ये दोनों को टुकड़ों को मैं फटाफट लगा लेता हूँ और डोरी जो है घुमा कर बाहर रख दूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसको डायमीटर को मैं पुश कर देता हूँ यहाँ पर और इसको सीधा कर लूँगा दोस्तों। और आपको ये डायवर्टर का आपको आप देख कर लगाना है, आप लिखा हो मतलब ऊपर का तरफ होना चाहिए, उसके हिसाब से लगाना है एरो। अब देख लीजिए ये आप लिखा जो है ऊपर का तरफ होना चाहिए, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से लगाना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो है ये कोल्ड वाटर का कनेक्शन भी मैं पुश कर दिया हूँ। अब जो इसके ऊपर दोस्तों इसके ठीक सेंटर सेंटर 11 इंच ऊपर मैं ऊपर डायवर्टर लूँगा यहाँ पर। अब देख लीजिए नीचे वाला जो है 2 वे डायवर्टर है और ऊपर वाला 3 वे डायवर्टर है। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर 11 इंच गैप करके इसको मैं नाप लेता हूँ और इसको मैं काट लूँगा। यहाँ पे भी आपको इसका आप देख कर लगाना है, जैसे नीचे का डायवर्टर लगाया है ऐसे ऊपर का भी आपको आप देख कर लगाना है, मतलब आप ऊपर की तरफ होना चाहिए और डाउन नीचे की तरफ रहना चाहिए। तो इसके पीछे आपको एरो मिलेगा, उसको आपको देख कर लगाना है। आप देख लीजिए, अब मैं इसको मैं सोल्यूशन देकर इसको पुश कर देता हूँ, मतलब नीचे वाला डायवर्टर का जो दोस्तों आउटलेट है वो ऊपर वाला डायवर्टर का इनलेट में कनेक्शन होगा, उसके हिसाब सबको लगाना है। इसका आप नीचे वाला डायवर्टर का आप ऊपर का इन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अब जो है डायवर्टर को मैं लगा दे हूँ। अब दोस्तों इसका राइट साइड से मैं इसका लेफ्ट साइड का कनेक्शन से ये आप देख लीजिए, ये वाला जो मैं बात कर रहा था आप ये ऐसे लगना चाहिए, ऊपर की तरफ आप होना चाहिए और इसका भी आप जो है कंसोल के अंदर है, आपको दिखेगा जब आप लगाते हो तब। तो यहाँ पे इसका जो दोस्तों एक साइड का मैं इसका लेफ्ट साइड का पॉइंट से यहाँ पे इसका ऊपर का डायवर्टर का जो 3 आउटलेट आता है एक में से मैं इसका बॉडी हेड का सर्कल बनाऊंगा। तो यहाँ पे टी लगाकर इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें दोस्तों सर्कल बनेगा तो इंटर कनेक्शन करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट इसका सर्कल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो है मैं बॉडी हेड का जो कनेक्शन जहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों कंसील बॉडी हेड लगेगा वहाँ पे मैं टी और 40 मार्कर का अंदर कंसील में लिया हूँ पॉइंट। इसका जो कंसील बॉडी हेड है दोस्तों काफ़ी अंदर जाएगा कंसील के, इसीलिए मैं वहाँ पे एक 45 मार्कर अंदर ले हूँ और टुकड़ा को सीधा कर दिया हूँ ताकि दोस्तों और ज़्यादा मतलब फिटिंग्स ना लगे उसमें। तो आपको एक और T45 से आप अंदर ले सकते हो 2.5-3 इंच, मतलब ये बॉडी हेड जितना अंदर रहेगा उसके हिसाब से आपको ये वाला जो है हो जाएगा। ऐसे आपको टी और 40 आपको आपको लगा लेना है, बिल्कुल सीधा देखकर लगा लेना है और आपको वाल में बिठाकर एक बार देख लेना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, और उसके बाद में आपको ऐसे टी को घुमाकर आपको पुश कर देना है और वाल में आपको सीधा करके टुकड़ा लगा देना है। अब जो दोस्तों लगाने के बाद में अब नीचे का भी मैं इसको लगा देता हूँ और इसका सर्कल को मैं फटाफट घुमा देता हूँ यहाँ पे। तो बॉडी हेड का दोस्तों जो है बॉडी हेड कंसील बॉडी हेड या फिर ओपन बॉडी हेड को भी बॉडी हेड आप करते हो तो उसका आपको सर्कल घुमाना बेहद ज़रूरी है रोटेशन के लिए, मतलब पानी जो है चारों तरफ सेम घूम कर आना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको रोटेट बनाना है, कोई भी एक्साइड आपको नहीं करना है। आप देख लीजिए, अब उसके बाद में यहाँ पे क्योंकि लाइन ओवरटेक हो रहा था मैं 500 बार देकर यहाँ पर
इसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पासवर्ड का नाप कर मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। अब जो है दोस्तों, अब ये सर्कल ऑलमोस्ट बन गया है, अब खाली एक टुकड़ा लगना बाकी है यहाँ पे। तो इसको मैं नाप लेता हूँ, ये जितना टुकड़ा आ रहा है 9 इंच जैसा, इसको मैं काट कर यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ पासवर्ड के साथ में। और आप लोगों से वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करते जाइएगा या ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करते जाइएगा और चैनल में नया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आप देख लीजिए, अब जो है दोस्तों सर्कल बन गया है। अब यहाँ पे मैं वॉल का फिनिश लेवल से यहाँ पे 2 फीट यहाँ पे सेंटर करके इसका बॉडी एट लगाऊंगा, मतलब टाइल्स लगने के बाद में 600 में आएगा साइड वॉल से फिनिशिंग लेवल बॉडी एट का जो है सेंटर कंसील बॉडी एट का। तो यहाँ पे दोस्तों 105 का 3 टुकड़ा आ रहा है, बिल्कुल सेम टुकड़ा आएगा आपको। एक टुकड़ा का आपको नाप ले लेना, एक बॉडी एट का, और उसके बाद में जो 2 टुकड़ा है मतलब सेम आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी टुकड़ा आपको बड़ा छोटा नहीं करना है। तो आपका जो है तीनों एक सर का आएगा और लेवल में आएगा, इसका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए तीनों, ऊपर नीचे मतलब थोड़ा सा भी टेढ़ा वहाँ का नहीं होना चाहिए। अब जो इसको मैं इसमें मैं सॉल्यूशन देकर इसको पोस्ट कर देता हूँ और इसको सीधा देख लेता हूँ। यहाँ पर आपको सीधा देख लेना है, जैसे आप पॉइंट एल्बो यानी ब्रास एल्बो का सीधा देखते हो बिल्कुल उसी हिसाब से। तो यहाँ पे एक जो है बॉडी जेट कंसील बॉडी में लगा दे, अब नीचे का 2 भी मैं ऐसे दोस्तों फटाफट यहाँ पे लगा देता हूँ और आपको दोस्तों अभी बताऊँगा। तो यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन में लगा दे, अब इसको मैं पूछ करके यहाँ पर इसको सीधा कर लूँगा। और यहाँ पर आपको सीधा आपको अपने आँख से देख लेना है, जैसे आप पॉइंट एल्बो का सीधा देखते हो बिल्कुल उस टाइप से आपको रख देना है। अब देख लीजिए इसका जो दोस्तों ये बॉडी हेड का जो अंदर का ब्रास पार्ट है वो पूरा अंदर जाना चाहिए। और ये जो है दोस्तों सेंटर सेंटर 1 फीट में मैं रखूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे एक बॉडी जेड से दूसरा बॉडी हेड का गैप जो है 12 इंच रहेगा। यहाँ पे तीनों का सेंटर बिल्कुल सेम आना चाहिए तभी अच्छा दिखेगा। और तीनों जो है दोस्तों बिल्कुल ओलम्ब में लेवल में होना चाहिए एक दूसरे से। अब देख लीजिए, अब जो ये तीनों मैं लगा दिया हूँ यहाँ पे, ये बॉडी जेड कंसील बॉडी हेड आ गया और ये सर्कल भी बन गया है। अब ये देख लीजिए, तो ऊपर का जो दोस्तों 3 आउटलेट वाला डाइवर्टर है उसमें एक में से मैं बॉडी हेड में कनेक्शन कर दिया हूँ। और यहाँ पे उसका और राइट साइड से मैं स्पाउट का अभी कनेक्शन करूँगा। और ये नीचे का जो डाइवर्टर है इसमें से मैं दोस्तों एक टेलीफोन सावर का यहाँ पे पॉइंट करूँगा, स्पाउट का पॉइंट जो ऊपर का डाइवर्टर से आएगा। तो यहाँ पे ब्रास एल्बो को सीधा कर देता हूँ। आप देख लीजिए दोस्तों, नीचे का जो डाइवर्टर है उसका आउटलेट वाला जो नीचे का पॉइंट है उसमें से एक टेलीफोन सावर का भी इसमें से पॉइंट दिया हूँ। और ऊपर का डाइवर्टर का राइट साइड से यहाँ पे दोस्तों एक स्पाउट का भी पॉइंट आया है, मतलब जैसे ही ऊपर का डाइवर्टर ऑपरेट करेंगे यहाँ पे उसमें से क्या बॉडी हेड भी ऑपरेट होगा और स्पाउट में भी पानी आएगा दूसरा ऑपरेट करने पर। और उसके ऊपर से भी दोस्तों सावर में भी ऑपरेट करने का सिस्टम आएगा, यानी ऊपर का जो डाइवर्टर है उसमें से तीनों ऑपरेट होगा। जैसे ये एक ऑपरेट करेंगे तो बॉडी हेड आएगा, ये बॉडी हेड में पानी आएगा, दूसरे में स्पाउट में पानी आएगा और तीसरे में यहाँ पे सावर में पानी आएगा। अब देख लीजिए, तो अब जो है दोस्तों ये तीनों एक सर का भी एक लेवल में आएगा, यानी बॉडी जेट और स्पाउट और ये सावर बिल्कुल ओलम्ब में रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 2 में बताऊंगा कौन सा पॉइंट कितने में रखा हूँ, किसका कितना हाइट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।